क्या हुआ था, कैसे आग लगी आपके? सर वो बच्चे पटाखे से लगी थी। कब, किस दिन लगी? वो वीरवार को लगी थी, शाम को 4:15 बजे। शाम को 4:15 बजे? जी सर। फिर कैसे, दमकल वगैरह आया था? जिस दमकल आया था सर, पर रास्ता नहीं था, रोड खराब था, इसके लिए उधर से वापस चला गया, यहाँ गांव तक नहीं पहुंच पाया। सड़क ना होने की वजह से दमकल तक नहीं आया। कोई और सरकारी सहायता मिली आपको अभी तक? अभी तो सेक्रेटरी वगैरह आए थे और कोई नहीं आया, प्रमुख जी आए थे ब्लॉक के। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने जो उनको अथा सख्त था वो राशन वासन दे के गए हैं, बाकी और कुछ नहीं किया। अरे सर बहुत नुकसान हुआ इधर, आप इधर देखिए पूरा गांव जल चुका है। कितने घर जले लगभग? लगभग 28 या 30 31 घर तक जल चुके हैं। हमारा नुकसान तो बहुत बाबू जी, बस जर गया, पड़ोर जर कर मर गया, डल्लभ जर गया, भाई हुआ, साइकिल जर गया, सब पूरे परानी हम खरियाने में रहे। करे भाई एक्को लड़के ताहत नहीं रहे करे। हाँ घर में मकई जो कुछ रहा सब जल गया, सिर्फ धान धान बाहर खरियाने में रहा वो बचा है और सब जल गया। अरे भैया हमारा दुकान को सब जल गया है, क्या जो कुछ रहा हमारे सब सौदा सब ढाबली उबली सब जल गया, जो राशन पानी रहा तो कुछ सब जल गया हमारा। कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? अरे करीबन 20-25 हजार रुपए का तो सौदा भरे रहे ढाबली में, यहाँ होटल तो खोले रहे हैं, सब जलेगा भैया हमारा सब। मैं इस समय ग्राम तेंदुआ नगर के गोहनावा मजरे में खड़ा हूँ। यहाँ पर गुरुवार शाम 5 बजे एक बच्चा पटाखा जला रहा था और उसके पटाखे से निकली चिंगारी ने 31 घरों को जला कर राख कर दिया। जिनके घर जले हैं वो सारे फूस के बने थे। जिनके पास अब रहने को सामान नहीं है या लेटने के लिए बिस्तर नहीं है वो सब गरीब थे। सरकारी सहायता के नाम पर यहाँ पर अभी तक केवल पटवारी और इस गांव का सेक्रेटरी आया है। उन्होंने ग्रामवासियों को कुछ भी आश्वासन नहीं दिया है, बनिस्बत केवल नाम वगैरह नोट किया है। ग्रामवासी बताते हैं कि समस्या तब हो रही है जब रात में ठंडी होती है और छत सिर के ऊपर ना तो छत होता है ना ओढ़ने बिछाने के लिए बिस्तर। खाने का इंतज़ाम गांव वाले ही मिलकर कर रहे हैं, कुछ बड़े लोग हैं जो खाने का इंतज़ाम करके दे रहे हैं और दोनों टाइम खाना मिल रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि जब इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी प्रशासन नहीं जगता, ग्रामवासियों को कोई सहायता नहीं मिल पाती, तो ऐसे में क्या प्रशासन इससे बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है? जान का तो कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन ग्रामवासियों के तमाम पैसे और तमाम अन्य चीजें जलकर पूरी तरह खाक हो चुकी हैं। इसके साथ उनकी वो उम्मीदें भी खाक हो चुकी हैं जो उन्हें सरकार से मिलनी चाहिए थी। बलरामपुर से मैं योगेंद्र पाठी, ETV भारत के लिए।